मित्रों जय श्री राम, मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका नाम है BA, कोड है G01। इसका एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग 9:30 से होने वाला था। किस तारीख को? 25 जून को। आज 24 है, 25 जून को होने वाला था। तो BA का एग्ज़ाम 25 जून से 17 जुलाई तक होना था। तो उसमें 14 जुलाई के बीच, 14 जुलाई को एक पेपर है जिसका कोड है ECO 219, इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसका एग्ज़ाम मॉर्निंग में 9:30 होने वाला था, वो अब हट करके आफ्टरनून 2:15 को होगा। एक ये अपडेट है। मैं आपसे बारंबार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम जैसे कल है तो आज अपना हॉल टिकट फिर से एक बार चेक कर लें, 2 मिनट लगता है। और महीने का तक 100% चेंज होगा, बट देयर आर चांसेस। और आपका टाइम टेबल एक बार जरूर चेक कर, हो सकता है कोई क्लैश आया हो, कोई समस्या हो, तो यूनिवर्सिटी ने चेंज किया हो। देखिए कल यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है, यद्यपि पेपर ये 14 जुलाई का है, लगभग अभी अपने पास ऑलमोस्ट 20 दिन है, फिर भी यूनिवर्सिटी ने चेंजेस किया है। जब कोई बच्चा रिपोर्ट करता है, कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज लिखा कि सर आपने मुझे सजेस्ट किया था, दो उसके FY और TY का, FY का पेपर दिया नहीं था, TY का पेपर उसको देना था, तो TY के पेपर के साथ FY का पेपर क्लैश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, हमने कहा यूनिवर्सिटी को मेल लिखो, यूनिवर्सिटी आपका हर मेल चेक करती है, ध्यान रखना। जिनको लगता है कि इसका रिप्लाई देना है उसको, लोग तुरंत जाकर मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफाई कर दिया और उसको बताया कि आपका मॉडिफिकेशन हो गया है। तो ऐसे चीज़ें हो रही है, ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट बता दूँ शॉर्टकट में, कृषि विज्ञान का, एग्रीकल्चर का एडमिशन वाईशुमु ने चालू कर दिया है। आप अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या आपके पहचान में कोई है तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी डिटेल मैं आपको लिंक दे देता हूँ इसी वीडियो में, जो चेंज हुआ है उसका भी, एग्रीकल्चर एडमिशन का भी। और आते हैं चलिए मुख्य विषय पर, पेपर फॉर्मेट। पेपर का फॉर्मेट कैसा? बहुत सिंपल है, 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का आपका होम असाइनमेंट होता है, 20 दोनों में 40-40% पासिंग मार्क होती है। असाइनमेंट का 40% 8% हो, 8 मार्क हो गया, और थियरी का 80 में से 40% 32 मार्क होते हैं। 32-40 मार्क आपको लाने पासिंग के लिए। वाईसीएम में पासिंग के लिए कितना मार्क चाहिए? 40 मार्क्स। आप बोलोगे सर मैंने तो होम असाइनमेंट नहीं दिया, थियरी में मैंने 40 ला दिए, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं जी, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ होम असाइनमेंट का मार्क अलग जुड़ता है। ओपन यूनिवर्सिटी है ना, तो होम असाइनमेंट की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, तो होम असाइनमेंट के अलग मार्क जुड़ते हैं। अच्छा चलो, आपने थियरी दे दिया, होम असाइनमेंट नहीं दिया, होम असाइनमेंट में आप अब्सेंट आ गए या फेल आ गए या 0 मार्क आ गया, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जब अगली बार एग्ज़ाम होने लगेगा तो आप फिर से जा कर के ITKT का फॉर्म भरेंगे, उसमें आप कॉलेज असेसमेंट का फॉर्म भरेंगे, उसकी फ़ी भरेंगे और क्लास में फिर से असाइनमेंट देंगे, तो मार्क यूनिवर्सिटी को स्टडी सेंटर भेज देगा और आप पास हो जाएंगे। गलती से ये मत सोच लेना कि स्टडी सेंटर आपको होम असाइनमेंट सबमिट नहीं करने के बाद भी पास कर देगा। तो ये है 100 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको 40 मार्क लाने हैं, लेकिन मैं कहूँगा 32 के लिए पेपर मत लिखना, नहीं तो फेल होने के चांसेस हैं। कम से कम 80 में से 70 नंबर का पेपर करिए, तब जाके आपको पासिंग मार्क मिलेगी। पेपर बहुत सिंपली मैं बता देता हूँ, छोटा सा वीडियो है तो बहुत अच्छे से बता देता हूँ कैसे है कि 80 नंबर का पेपर होगा और 4 क्वेश्चन सेट होंगे। चार मैं इस वीडियो के थंबनेल पे क्वेश्चन पेपर का सेट लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन होंगे, हो गया 4 मेजर क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 20-20 मार्क का रहेगा, पहला 20, दूसरा 20, तीसरा 20, चौथा 20। अब एक बता दूँ, हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में 5-5 सब क्वेश्चन होंगे। जो मैं बोला कि पहला क्वेश्चन 20 मार्क का होगा, तो 20 मार्क अकेले नहीं होगा एक क्वेश्चन, उसके अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे और जिसमें से आपको केवल 4 करने, तो 4 चौक 16, 4 मेजर क्वेश्चन में से 4 सब क्वेश्चन मिला के 16 क्वेश्चन करने हैं, और 16 एक क्वेश्चन कितने का होगा? 5 मार्क का होगा। मैंने बोला ना 20 20 20 20 20 चौक 80, 24 18। तो पहला जो होगा 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4, तो 20 का 1 हो गया। इसी तरह 4 क्वेश्चन आएंगे, 20 चौक 80। डाउट क्लियर हुआ? तो अब 5 मार्क के लिए कितना लिखना है आपको? इसमें लिख दिया है 4 प्रश्न और 5-5 उप प्रश्न, तो 5 उप प्रश्न में से 4 ही छोड़ाने हैं आपको। ज़्यादा आप शानक पट्टी करेंगे, 5 छुड़ाना चाहते हैं छुड़ाइए, समय है तो, लेकिन मार्क आपको 4 का ही मिलेगा। 1 का मार्क कितना हुआ फिर? 5, 5 चौक 20, 5 हो गया 20,
20 मार्क्स आपको पहले से मिलेंगे, 20 दूसरे से 40, 20 तीसरे से 60 और 20 चौथे से 80। तो प्रत्येक उप प्रश्नांश से उत्तर 75 से 100 शब्दात लिखा, 75 से 100 शब्दों में लिखना है। तो अगर 5 मार्क का आंसर लिखना है तो हाफ पेज में भी हो जाता है मैं बता दूं, किंतु हाफ पेज लिखना रिस्क भरा काम है। आप कम से कम एक पेज, ज्यादा से ज्यादा डेढ़ पेज, 1.5। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो एक से डेढ़ पेज कम से कम लिख रहे हैं तो कम से कम एक पेज। नंबरिंग कर देना, हेडिंग थोड़ा कलरफुल पेंसिल स्केच से बना लेना, अंडरलाइन कर देना, साइड में बार खींच देना, पेंसिल जो हम करते आ रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं से। पेपर कॉपी थोड़ा अच्छी दिखनी चाहिए, ये हो गया। और थियोरेटिकल है, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है। और सप्लीमेंट नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पेपर सेट किया है 80 मार्क का, उसमें से 2-4 पेज आपके बच ही जाएंगे क्योंकि आप डेढ़ पेज से ज़्यादा लिख नहीं सकते। ज़्यादा लिखेंगे भी तो पूछ नहीं रहा एग्जाम में। 5 मार्क का क्वेश्चन है, सोचो कितना लिखोगे आप। जनरली 5 मार्क के लिए हम लोग एक पेज लिखते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ मान लो कोई कंटेंट ज़्यादा है, आपका एक्सप्लेनेशन पावर बढ़िया है तो डेढ़ पेज लिख डालो, फिर भी सप्लीमेंट नहीं मिलती है। इन केस बहुत प्रॉब्लम हो गई तो स्टडी सेंटर सप्लीमेंट का निर्णय स्वयं लेगा। तो मैंने आज आपको पेपर बता दिया और कैसे लिखना है वो भी बता दिया, हेडिंग डाल के थोड़ा अंडरलाइन करके बोल्ड लेटर्स थोड़ा बना के, ज़्यादा कलरफुल मत करना, टाइम आपके पास नहीं रहे। अच्छा, पेपर का समय कितना है? 3 घंटे है, लेकिन अब 3 घंटे कहाँ, ये तो 3 घंटे 45 मिनट, हर एक घंटे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। ऐसा सामंत साहब हमारे शिक्षा मंत्री जी ने और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने उन्होंने लिया है। तो फिलहाल इस तरीके से आप पेपर करिए, बाकी मैं और जानकारी जो आपको लगी है कि नहीं मिल रही इसमें बताइए, मैं अगले वीडियो में लेकर के आज ही आ जाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए डिटेल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री।